हेलो गाइस, तो स्वागत करते हैं आज का आपकी एक और नई और ताज़ा वीडियो में। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप शुरू वाले सभी के सभी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ ले तभी वीडियो देखिए। तो चलो अब हम शुरुआत कर लेते हैं आज के मैच के बारे में जो किसी तो गाइस, आज हम उन्हीं प्लेयरों के बारे में बात करेंगे कि जिनका हमको पक्का पता है, वैसे ही हम बात नहीं करेंगे हवा में। आज अब हम 100% सत्य प्लेयरों के बारे में बात करेंगे। अगर हम किसी फालतू के प्लेयर में बारे में बात करेंगे तो हम उसमें बता देंगे कि आज इनके चलने में ना चलने के चांस है। तो आज का मैच खेला जाने वाला है आर आर के खिलाफ और CSK के खिलाफ, राजस्थान वर्सेस चेन्नई के खिलाफ। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आपको राजस्थान की तरफ से आपको आज के दिन किस खिलाड़ी का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो आपको आज के दिन लगभग आज के दिन आपको राजस्थान की तरफ से यशस्वी जायसवाल, आर अश्विन इन दोनों का में से एक तो अवश्य चलेगा, लेकिन इन दोनों का भी अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। इनका हमने ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इनके 60% चांस हैं कि ये चले आज के दिन। और रैन प्रयाग भी आज चल सकते हैं। और इसी के साथ साथ आज के दिन सिमरन हेटमायर के 50-50 आंकड़े बने हुए हैं चलने और न चलने के। 51% आज सिमरन हेटमायर चल सकते हैं, पक्का तो नहीं पता लेकिन 51%। और इसी के साथ साथ आज के दिन संजू सैमसंग भी आपको आज के दिन राजस्थान की तरफ से बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए देखने को मिल सकते हैं राजस्थान की तरफ से, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं दूसरी टीम के बारे में जो कि है CSK की तरफ से आपको आज के दिन बहुत ही अच्छा बल्ला बोलने को दिख सकता है ऋतुराज गायकवाड़ का। आज के दिन ऋतुराज गायकवाड़ का लगभग बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करके देंगे अपनी टीम के लिए ऋतुराज गायकवाड़, ऐसा लग रहा है राशि और ग्रह के अनुसार। और इसी के साथ साथ आपको आज के दिन लगभग मध्य चांस बने हुए हैं चलने के और मध्य ना चलने के, इनके 51% चांस है चलने के। और इसी के साथ साथ आपको आज के दिन अंबती रायडू और मोहन अली का भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। और अंबती रायडू का भी इन दोनों का लगभग मध्य प्रदर्शन से थोड़ा सा ज़्यादा प्रदर्शन होगा। और रविंदर जडेजा का भी आज के दिन मध्य से थोड़ा ज़्यादा होगा। और मिचेल सैंटनर का भी आपको आज के दिन मध्य से थोड़ा सा ज़्यादा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ धोनी का भी आपको आज के दिन बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ साथ आपको आज के दिन लगभग बहुत ही बढ़िया बॉलिंग में आपको दिखाई देंगे एम तिस्खाना आज के दिन लगभग ये बहुत ही तगड़े विकेट टेकर बोलर आ सकते हैं। आज के दिन एम तिस्खाना लगभग आज के दिन विकेट तो ये अवश्य लेंगे लग रहा है, लेकिन अगर नहीं लेंगे आज के दिन नहीं, और ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके देंगे अपनी टीम के लिए और बहुत बढ़िया इकोनॉमिक रखेंगे। अगर विकेट नहीं मिली लगभग पक्का लेंगे, मुझे तो लग रहा है राशि और ग्रहों के अनुसार लग रहा है, सभी को लग रहा है। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं आपको आज के दिन राजस्थान की तरफ से आपको किस खिलाड़ी का ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं देखने को मिलेगा। तो आज के दिन लगभग मध्य से कम का प्रदर्शन करने की उम्मीद लगाई जा रही है ट्रेंट बोल्ट के साथ। तो इसी के साथ आज के दिन इनका हम इतना ही पता कर पाए, लेकिन चलो अब हम दूसरी टीम के बारे में बात कर लेते हैं CSK के बारे में कि आपको आज के दिन किस खिलाड़ी का मध्य से कम का प्रदर्शन नज़र आएगा। आपको आज के दिन अजिंक्य रहाणे का आपको आज के दिन मध्य से कम का प्रदर्शन नज़र आ सकता है। इसी के साथ साथ गाइस, आज के लिए इतना ही, हमने जितने भी प्लेयरों का पता था उनका हमने बता दिया। और अब हम आपको तो गाइस, आज के लिए हमने जितना बताया हमने उतना ही बताया। लगभग आज के दिन ये प्रेडिक्शन राशि और सभी ग्रहों के अनुसार है, कोई पिच रिपोर्ट से प्रेडिक्शन या राशि और ग्रहों के अनुसार है। इसी के साथ साथ धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।